शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पात्रा चौल घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत पाने के बाद सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इस दौरान उनके सुर काफी बदले हुए नजर आए। वह बीजेपी के प्रति अपने रुख में नरमी दिखा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और कहा कि वह जल्द ही उनसे मुलाकात करने वाले हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। दरअसल 103 दिन बाद जेल से बाहर आने के बाद वह उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। इस दौरान उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। एक तरफ जहां ठाकरे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ राउत ने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमने ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध नहीं देखा। मैं किसी केंद्रीय एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। उन्होंने उनके अच्छे फैसलों का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ अच्छे फैसले भी लिए हैं। ऐसा लगता है कि राज्य को फडणवीस ही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध के लिए विरोध नहीं करूंगा और न कभी किया हूं। जो चीजें जनता, राज्य और देश के लिए अच्छी होती है उनका स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र में फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं, खासकर गरीबों के लिए घर देने का फैसला, महाडा को अधिकार देने का फैसला। जो अधिकार हमारी सरकार ने छीन लिए थे वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। फडणवीस साहब के यह निर्णय मुझे अच्छे लगे हैं। संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उसमें उनका सहभागी हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरी व्यवस्था को या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। शिवसेना नेता संजय राउत पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। इस स्कैम की शुरुआत साल 2007 में हुई। आरोप है कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA के साथ प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।